वाले शरीरों तीर्थ पावन धाम मंगलम पावन धाम मंगलम ओम देव मंगलम उद्धव नाम मंगलम ओम देव मंगलम उद्धव नाम मंगलम नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। आज हम पहुंचे हैं भीलवाड़ा जिले के मालासिरी गांव। यहां पर भगवान देवनारायण का अवतार हुआ था। उस अवतार के लेकर, उनके इतिहास को लेकर यहां एक भव्य पैनोरमा का निर्माण किया गया है। इस पैनोरमा में इसके पूरे इतिहास के बारे में बताया गया है। हम इस पैनोरमा के माध्यम से भगवान देवनारायण के अवतार के बारे में और वहाँ के इतिहास के बारे में आपको बताएंगे। इस पूरा पैनोरमा का भ्रमण करते हैं और वहाँ के इतिहास से आम जन को रूबरू कराने का प्रयास करते हैं। तो चलिए अब इस पैनोरमा के अंदर और किस तरह से सिलसिलेवार किस तरह से यहाँ भगवान देवनारायण का यहाँ अवतार हुआ था और उसके बाद में पूरे यहाँ पैनोरमा का भ्रमण करते हुए उनके इतिहास के बारे में जानेंगे।
अभी हम खड़े हैं मालाश्री में और यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनसे जानते हैं कि आखिर यहाँ भगवान देवनारायण मंदिर के बारे में क्या मान्यता है और यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं उनके प्रति क्या अटूट आस्था है, क्या उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, ये जो मंदिर है इसके प्रति क्या। आपका पहले सबसे पहले नाम बताओ। ईश्वरलाल गुजर, विद्यालय साहेब कावड़ास। ये जो मंदिर मंदिर के बारे में क्या मान्यता है, लोगों की क्या मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं यहाँ आने से। सर मंदिर के बारे में यही मान्यता है कि माता साधु ने फर्स्ट बार तपस्या करके जो उसके उसके पति देव का जो मतलब उसके साथ में सती नहीं हुई थी और भगवान ने उसने वचन दे करके 968 के दिन माई सप्तमी के दिन उसके भगवान उसकी ज्वाले में पैदा किए थे। और उसके बाद ये बड़ा चमत्कार भी, यहाँ भी कोई भी दारू शराब या मीट पी करके आता है या समझता है कि मैं यहाँ स्नान करके ऊपर चला जाता हूँ तो ऊपर भंवर माल के जो बड़े बड़े छज्जे आप गए होंगे तो वे मतलब अपने आप उस पर आक्रमण कर देते हैं, जिसने शराब वगैरह पिया होगा उसी यात्री पर ही हमला करते हैं, दूसरों पर नहीं करते। अच्छा, कोई भी नशे में अगर गया है ख़ास तौर से शराब अगर पी के कोई जाता है तो उसके ऊपर। हाँ, शराब पी करके या कोई मांस वगैरह कोई अलग वस्तु खा कर जाता है तो उस पर अटैक कर देते हैं। और जो वरना ये सामान्य दिनों में जो यात्री लोग जाते हैं उसके पैरों के नीचे ये भंवर माल के जो बड़े बड़े चिट्टे आते हैं तो भी कुछ को कुछ खाते नहीं है। अच्छा, सबसे बड़ा ही है। बाकी जैसे जो भी यहाँ श्रद्धालु आते हैं क्या मनोकामनाएं यहाँ आने से मुख्य रूप से पूरी होती है। मुख्य रूप से तो ये सर उसको तो एक तो आत्मशांति, एक उसके मतलब वंश वगैरह नहीं बढ़ रहा हो तो उसके वंशवृद्धि के बारे में ये मुख्य रूप से। सर नाग देवता की मान्यता कि सुबह सुबह जो सुबह 4 बजे की आरती होती है उसमें देसी गाय का दूध रखा जाता है गौमूत्र का छिड़काव करके तो शाम तक वह दूध खत्म हो जाता है, नाग देवता पी के चले जाते हैं। और ज़्यादातर दर्शन उसके माई सप्तमी और भादी छठ को ज़्यादा होते हैं, पूरे दिन भर होते हैं। तो उसमें क्या साक्षात दूध पीते हैं? साक्षात दूध पीते हैं और भादी छठ माई सप्तमी को तो पूरे दिन देखते हैं सभी यात्री। और उसी के पास में एक भव्य नीला घोड़े का अवतार, नीला घोड़े का अवतार भी, उसके बारे में क्या है? सर नीला घोड़े का अवतार तो मतलब भादवा को भादवी छठ के, तो मतलब देवनारायण से पहले देवनारायण से पहले नीला था घोड़े का 6 महीने पहले हो गया और देवनारायण का अवतार और माई सप्तमी। अच्छा, माई सप्तमी सप्तमी अब इसका हो गया। अब नीले घोड़े का अवतार किसका है? ये भगवान की सवारी है सर नीला घोड़े का, 6 महीने पहले प्रकट हो गया। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आपने सुना किस तरह से एक भगवान देवनारायण का जो अवतार हुआ यहाँ, और ये पूरा विश्व में एकमात्र स्थल है जहाँ पर भगवान देवनारायण का अवतार हुआ और उसके बाद में यहाँ से अलग अलग जगह पर कई शाखाएँ हर गांव में देवनारायण मंदिर बने और वहाँ पर अलग अलग तरह से वहाँ के क्षेत्रीय लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं और अपने देवनारायण की को आराध्य मानते हुए उनका उनकी मनोकामनाओं को लेकर अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से पूजा की जा रही है। आज हमने प्रयास किया कि जो जहाँ भगवान देवनारायण का जन्म हुआ था उसी स्थल के बारे में, उस मंदिर के बारे में, और वहाँ पर जो बताया जाता है कि यह माता साधु की तपोस्थली है और उसी तप के कारण भगवान विष्णु ने यहाँ अवतार लिया था और उसके बाद में यहाँ के बाद में फिर भगवान देवनारायण की जो शाखाएं मंदिर की अलग अलग गांवों में बिगड़ती हुई और उसके बाद पूरे देश भर में इसकी अलग अलग गांवों, ढाणियों और शहरों में आज कई जगह देवनारायण के भव्य मंदिर हैं। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।